आप सभी का स्वागत है। जो लोग इतिहास को भुला देते हैं, इतिहास भी उन्हें भुलाने में ज़्यादा समय नहीं लगाता। और मुझे पता है आप उन लोगों में से नहीं हैं, इसीलिए तो आप आज इस चैनल में हैं। आपको मेरी शक्ल शायद पसंद ना आए, बैकग्राउंड शायद पसंद ना आए, या लाइटिंग से कोई प्रॉब्लम हो, पर आप यहाँ लाइटिंग, बैकग्राउंड या मेरी शक्ल के लिए नहीं आए हैं, नॉलेज के लिए आए हैं। और अगर वो नहीं मिलता है तो जाने से पहले कमेंट सेक्शन में गाली देना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं, पर चलने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। जो इस कम्युनिटी के हर आदमी, हर औरत, हर बच्चे के दिमाग में घिन चढ़ जाती है इस आदमी का नाम सुनते साथ ही। इस आदमी का नाम है जोसेफ मेंगले, मौत का सौदागर। वैसे तो यह आदमी एक डॉक्टर था, डॉक्टर जो जान बचाता है, पर इस आदमी के हाथों से और इस आदमी के आदमियों के हाथों से हजारों जिंदगियां इस दुनिया से रुखसत हो गई। और शर्म की बात तो यह है कि इनमें मरने वाले ज्यादातर बच्चे थे। इसका जन्म 16th ऑफ मार्च 1911 में हुआ। शहर का नाम था गुंजवर्क, स्टेट का नाम था बवेरिया। उसके पिता का नाम था कार्ल और माँ का नाम था पर्ज। जोसेफ के होने के पहले उसकी माँ के 3 मिसकैरेज हुए थे। एक प्रकार से आप कहेंगे कि 3 मिसकैरेज के बाद शायद चौथा बच्चा होना अच्छी बात है, पर इसके आदमी के कर्म देख के आपको यही लगेगा कि चौथा भी मिसकैरेज हो गया होता तो शायद इस दुनिया में काफ़ी सारा पेन नहीं होता। जोसेफ स्कूल में एक एवरेज बच्चा था, ना बहुत बुरा ना बहुत अच्छा। 15 साल की उम्र में उसे एक बोन मैरो की डिसीज़ हो गई थी। वैसे तो उस समय ये बीमारी जिस किसी को होती थी उसमें से ज़्यादातर लोगों के मरने की आशंका थी, पर जोसेफ 6 महीने में ही ठीक हो गया। इसके हाथ शिकार होने वाले लोगों की किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी, पर इस 6 महीने में जोसेफ अपने साथ वालों से काफ़ी पीछे हो चुका था। और अगले 2-3 साल तक इस आदमी ने काफ़ी मेहनत से वापस वही स्पीड और करिकुलम में वही जगह पाली जो 2 साल पहले था। 6 महीने का गैप अब दिखाई नहीं दिखता था। 17 साल की उम्र तक जोसेफ एवरेज चाइल्ड से क्लास के पहले 2-3 बच्चों तक आ गया था। 19 साल की उम्र में ही म्यूनिख यूनिवर्सिटी में जोसेफ को मेडिकल में एडमिशन मिल गया। जोसेफ कॉलेज में काफ़ी अच्छा छात्र था, कम से कम पढ़ाई में तो अच्छा था ही, पर पढ़ाई करते ही साथ ही करते करते ही उसका दिमाग पॉलिटिक्स में भी लगने लगा। उसने अगले ही एक साल में स्टील हेलमेट ज्वाइन कर लिया 1931 में। ये वो ग्रुप था जो एक पैरामिलिट्री ग्रुप था और वो चाहता था कि मोनार्की, जो राजाओं का राज था जर्मनी में, उस पर लौटने का, डेमोक्रेसी को पीछे छोड़ के। एक प्रकार से वो घड़ी को उल्टा घुमाना चाहता था। स्टील हेलमेट बस एक शुरुआत थी, उसके बाद वो नाजी पार्टी का मेंबर बन गया। इस घटिया आइडियोलॉजी का ये कहना था कि जर्मन जो जर्मन मूल के नहीं हैं वो इम्प्योर हैं। जैसे आपको सिखाया जाता है ना कि आपके धर्म के जो लोग नहीं हैं वो इम्प्योर हैं, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जो भी हो। ठीक वैसे ही हिटलर और उसके गधे जर्मनी को ये सिखा रहे थे कि जर्मनी में रहने वाली प्योर हैं और जो वहाँ बाहर से आए हैं वो इम्प्योर हैं, उन्हें हटा दिया जाए। तो उनमें सबसे बड़ा निशाना था जूइश लोग। इनके बारे में मैं आपसे फिर से बात करूंगा, अभी जोसेफ मेंगला पे टिकते हैं। मेंगला इन सब घटिया आइडिया से काफ़ी इम्प्रेस हुआ और धीरे धीरे वो नाजी पार्टी में काफ़ी अंदर घुसते गया। इस आइडियोलॉजी की वजह से उसकी यूजेनिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ रहा था। यूजेनिक्स एक प्रकार की एक ऐसी मेडिकल कि एक ऐसी स्ट्रीम है जहाँ पे आप कहते हैं कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू आप बेहतरीन ब्रीड बना सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, जो बच्चे कमज़ोर हैं, मतलब जो बच्चा कमज़ोर पैदा होता है उसमें कोई कमी है उसको वहीं ख़त्म कर देंगे, या फिर कोई बीमारी वाला आदमी है या औरत है उसको प्रियोरिटी ना देके किसी ऐसे आदमी को जो परफेक्ट रूप से फिजिकल स्पेसिमैन है उसको प्रियोरिटी देंगे प्रजनन करने के लिए। यानी स्टेट बताएगी कि किसे पैदा करना चाहिए, किसे बच्चे पैदा करना चाहिए, किसे पैदा नहीं करना चाहिए। ठीक है, यह है यूजेनिक्स। नाजी पार्टी यूजेनिक्स
पर विश्वास तो करती थी, बट वो इससे भी एक कदम आगे थी। यूजेनिक्स के अनुसार धीरे धीरे ब्रीडिंग होके अगले 3-4-5 जनरेशन में आदमी प्योर होता, पूरी की पूरी जनरेशन प्योर होती। पर नासी पार्टी को जल्दी में थी, वो अभी सबको प्योर करना चाहती थी। तो ऐसे के लिए क्या करे, उन लोगों को अपने रास्ते से हटा दे जिनको वो इम्प्योर कंसीडर करती है। और इस काम में मदद करेगा आपका जोसेफ मेंगले। नाजी पार्टी की तरह ही जोसेफ मेंगले जो है स्लाविक रेस को और ज्यूइश रेस को उंटरमेंच यानी कि नीची जात का समझता था, ठीक वैसे ही प्योर जर्मन एरियन रेस को उबरमेंच यानी कि बेस्ट ऑफ द जात के हिसाब से माना जाता था। 1935 में मेंगले को पीएचडी मिली एंथ्रोपोलॉजी में, और उसके एंथ्रोपोलॉजी जो थीसिस थी वो भी मैंने जो आपको अभी अभी बताया उसी पर आधारित थी। उसके इस थीसिस में उसने ये साबित करने की कोशिश की थी जो जर्मन रेस है, जो एरियन रेस है, वो दूसरी रेस से बेहतर क्यों है और कैसे। इसके बाद वो लिप्ज़िग यूनिवर्सिटी चला गया जहाँ पे वो एज ए डॉक्टर काम करने लगा। इसके बाद वो जर्मनी के लीडिंग रेशियल एक्सपर्ट जो थे डॉक्टर ओटमार फर्वर वर्शर, माफ़ कीजिएगा जर्मन प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, डॉक्टर ओटमार फरहर वॉन वर्शर, उनके अंदर काम करने लगा। और वो जिस जगह पे काम करते थे उसे उसका नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ हेरेडिटरी बायोलॉजी रेशियल प्योरिटी। ये यूनिवर्सिटी फ्रैंकफर्ट के अंदर ही आती थी। यहाँ पर लोगों के रेशियल, यहाँ पर मेंगले का काम था लोगों का रेशियल रिकॉर्ड देखना और यह तय करना कि वो लोग न्यूरनबर्ग लॉ के हिसाब से ज्यूइश हैं या नहीं है। न्यूरनबर्ग लॉ क्या होते हैं इसके लिए हम कभी फिर वीडियो बनाएंगे, बट छोटा सा गूगल सर्च आपको बता देगा कि ये क्या घटिया लॉ थे। इन्हीं लॉ के हिसाब से यह तय किया गया कि कौन आदमी ज्यूइश है, कौन प्योर एरियन है। तो यही काम जोसेफ मेंगले कर रहा था, ये तय करके लोगों का रिकॉर्ड देख के कि कौन ज्यूइश है, कौन ज्यूइश नहीं है। जोसेफ मेंगले और उसके दोस्त जो यहाँ काम कर रहे थे उनके द्वारा जो हजारों रिकॉर्ड बनाए गए, बाद में इन्हीं रिकॉर्डों को आधार बना के ज्यूइश लोगों को इंटरमेंट कैंप में भेजा गया जहां पर ज़्यादातर लोगों की मौत हो गई। जोसेफ मेंगले 1937 पर जोसेफ नाजी डॉक्टर्स पार्टी में शामिल हो गया, यानी कि नाजी पार्टी के अंदर ही डॉक्टर्स की जो स्ट्रीम थी उस इसका। और इसका अगला कदम था एसएस में शामिल होना जो कि एक एलीट यूनिट नाजी पार्टी की। वैसे तो एसएस का मेन काम हिटलर का पर्सनल सेफ्टी था, बट बाद में जो कंसंट्रेशन कैंप थे उनको चलाने का काम भी एसएस को मिल गया था और डॉक्टर जोसेफ मेंगले अब यही था। एसएस का चीफ उस समय था हेनरिक हिमलर, ये भी अलग टाइप का घटिया इंसान है, इसके बारे में भी कभी हम बात करेंगे, पर फिलहाल जोसेफ मेंगले पे कॉन्सेंट्रेट करते। इसी समय जोसेफ मेंगला की एंगेजमेंट आयरिन शोहेनबाइन से हो गई, माफ़ कीजिएगा जर्मन प्रोनाउंसेशन मेरा इतना अच्छा नहीं है। आयरिन शोहेनबाइन के साथ कुछ ही दिनों में उसने शादी कर ली, वो उससे 6 साल छोटी थी। पर शादी में एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना हुई जो आप सभी लोगों को जाननी चाहिए। उस समय यह होता था कि शादी से पहले सभी को साबित करना पड़ता था कि उनकी 3-4 पुस्ते जो हैं वो ज्यूइश नहीं है, उनमें ज्यूइश ब्लड नहीं है। मेंगले के साइड तो ये साबित करना मुश्किल नहीं था, बट आयरिन के साइड इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। उसके ग्रैंडफादर के पूरी तरह एरियन रेस के होने के सबूत नहीं मिलते थे, बट फिर भी क्योंकि जोसेफ उस समय तक नाजी पार्टी में थोड़ा ऊपर पहुंच चुका था, तो उसने अपना कहते हैं ना अपना पहुँच लगाई और शादी की अनुमति इन दोनों को मिल गई और शादी हो गई 1939 में। शादी के 3 महीने बाद ही जोसेफ मेंगला को आर्मी में काम करने के लिए बुलावा भेज दिया गया, और वो जिस जगह में काम कर रहा था उस जगह का नाम था टायरोलिन माउंटेन रीजन। आर्मी में 3 महीने बिताने के बाद वो वापस से फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में काम करने के लिए आ गया। 1939 आ चुका था, दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला था और इसके लिए जर्मनी ने मोबिलाइजेशन शुरू कर लिया। बट मोबिलाइजेशन के समय जोसेफ मेंगला को पहली बार जो ड्राफ्ट है उसमें उस चुना नहीं गया, क्योंकि उसे बचपन में किडनी इन्फेक्शन हुआ था, याद है आपको 6 महीने का गैप। पर 1940 में मेंगला को आर्मी के लिए बुला ही लिया गया। अगले 1 साल तक वो जहां भी काम करता वहां वो सीधे वॉर के फ्रंट में कभी भी नहीं जाता, पीछे जो जीनियोलॉजी डिपार्टमेंट था एसएस का वो उसमें काम करता। 1941 आते आते तक ऑपरेशन बारबरोसा शुरू हो चुका था। बारबरोसा वो ऑपरेशन था जो जर्मनी ने रूस के खिलाफ चालू किया था, रशिया के खिलाफ चालू किया था। इस बारे में भी हम फिर कभी बात करेंगे, पर हमें अभी मेंगले पे कॉन्सेंट्रेशन करना है। मेंगला को ऑफिस से निकाल कर रशियन फ्रंट में भेज दिया गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मौतों की वजह से जर्मन सेना को
फ्रंट पर लोगों की ज़रूरत थी और जोसेफ मेंगला अब ऑफिस में काम न करके फ्रंट पर काम करेगा। एक प्रकार से देखा जाए तो जोसेफ मेंगला काफ़ी बहादुर सोल्जर साबित हुआ, उसे आयरन क्रॉस भी मिला। उसके बाद उसका ट्रांसफ़र उस डिवीज़न में हो गया जहाँ पे उसे फील्ड डॉक्टर की तरह काम करना था। एक समय ऐसा आया जब जलते हुए टैंक से जोसेफ मेंगला ने दो लोगों की जान बचाई और इसको इस बहादुरी के कारनामे के लिए उसे आयरन क्रॉस फर्स्ट क्लास मिला। नवंबर 43 के आसपास उसे बहुत गंभीर चोटें लगी जिस वजह से उसे फ्रंट से हटा दिया गया और रिकवरी के लिए वो रेस और रिसर्च ऑफिस में वापस से पहुंच गया और 1943 के मध्य तक उसे कैप्टन की पदवी दे दी गई और उसे रेस रिसर्चर के तौर पर नौकरी मिल गई जो कि उसकी ड्रीम जॉब। यहाँ पर उसे आज़ादी थी कि वो जिंदा लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर सके। और ये जिंदा लोग कौन होंगे? जोइश लोग जो कंसंट्रेशन कैंप में हैं। मैंने कहा था ना, इस आदमी के नाम से उन्हें घिन आती है। अब आप जानेंगे कि वो घिन का कारण क्या है। और जिन लोगों पर जोसेफ एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो ऑस्विट्स में थे। ऑस्विट्स पोलैंड में एक जगह है जो उस समय जर्मनी के अंदर आती थी। वहीं के एक कैंप में इस आदमी ने सारे एक्सपेरिमेंट किए। वैसे जोसेफ इन लोगों में से पहला नहीं था, इससे पहले भी वहाँ पे जोइश लोगों पे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। यानी जोइश लोग जर्मन डॉक्टरों के, मैंने कि नाथसी जर्मन डॉक्टरों के गिने पिक पहले ही बन चुके थे। उनमें कई एक्सपेरिमेंट किए गए, जैसे कि जोइश आदमी पर बैक्टीरिया डाल दिया जाए और देखा जाए कि वो कैसे रिएक्ट करता है। दुनिया भर की डिसीजेज जो हैं उनके प्रति उनको एक्सपोज किया गया और देखा गया कि उन पर उनका कैसा रिएक्शन होता है। और इनमें से एक एक्सपेरिमेंट ऐसा था कि जो राइफल बट है उसको उल्टा करके मारा जाता था, राइफल बट से मारा जाता था राइफल को उल्टा करके, तब तक कि आदमी मर ना जाए, ये देखने के लिए कि उनमें कितनी सहन शक्ति की क्षमता है। वाह, बात अभी खत्म नहीं हुई है। ये सारे एक्सपेरिमेंट आपको बुरे लग रहे होंगे ना, मेंगले इन सबको एक डिग्री और ऊपर लेकर जाएगा, आप बस सुनते रहिए। ऑस्विट्स में मेंगला का आगमन हुआ 23 मई 1943 को। ये जगह अब पहले जैसी कभी नहीं रह जाएगी क्योंकि यहाँ डॉक्टर मेंगले है। पहली जॉब जो उसे यहाँ पे मिली वो बताती है कि ये चीज़ कैसे आगे बढ़ेगी। पहले दिन ही उसे इस बात की जिम्मेदारी दी गई कि वो तय करे कि किन में से जो लोग उसके सामने आए हुए हैं, नए नए लोग आए हुए हैं कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, उनमें से वो तय करके बताए कि कौन जिंदा रहेगा कौन मरेगा। तो इन्हीं में से 1000 लोगों को, जो जिप्सीज हैं, अपने यहाँ जो कारवा में घूमते लोग हैं ना, जिन्हें हम घुमंतू कहते हैं, बंजारे कहते हैं, तो 1000 जिप्सीज को उसने गैस चैम्बर में भेजा। ये उसकी जॉब थी पहले दिन। ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट की बात है। मेंगला जितने दिन यहाँ रहेगा लगभग 70 से 80 ट्रांसपोर्ट के बारे में तय करेगा कि कौन जिएगा मरेगा। अगर सिंपल हिसाब लगाया जाए तो पहली बार उसने 1000 चुने थे तो कम से कम 80,000 लोग उसके हाथ से मौत के मुंह में गए। 14 साल से कम उम्र के लगभग सभी बच्चे गैस चैम्बर में भेज दिए गए। ठीक वैसे ही बूढ़े लोग भी गैस चैम्बर में भेज दिए गए। जवान को बचा के रख लिया गया क्योंकि वो हथियार बनाने के काम आएंगे, फैक्ट्री में फ्री काम करने के काम आएंगे। ये सब चल रहा था हॉलोकॉस्ट में। ऐसा नहीं है कि मेंगला अकेला था जो ये सब कर रहा था, और भी लोग थे, बट जोसेफ मेंगले इस सब बात को एंजॉय कर रहा था, उसे ये सब अच्छा लग रहा था, इसीलिए उसे मौत का सौदागर कहा जाता है। मजाक मजाक में इस आदमी ने एक बार ये भी कहा था कि ये वो जगह है जहाँ पे जूस दरवाजे से आते हैं और चिमनी से जाते हैं। पर था तो मेंगले साइंटिस्ट, तो उसका अभी भी कॉन्सेंट्रेशन साइंटिफिक रिसर्च पर ही था। उसने जो रिसर्च करने के लिए लोग चुने उनमें से ज़्यादातर लोग या तो डिफॉर्म पैदा हुए थे या उनमें अभी डिफॉर्म थे, पर उसके फेवरेट रिसर्च करने वाले लोग थे ट्विंस। वो देखना चाहता था कि एक ही चीज़ के प्रति ट्विंस जो एक साथ पैदा हुए जुड़वा हैं, बच्चे हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं। आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑस्विट्स में कितने लोगों की मौत हुई थी। यह आदमी अपनी रिसर्च के लिए 1000 से ज़्यादा जुड़वा बच्चों के जोड़े वहाँ चुन चुका था। आप सोच सकते हैं 1000 जुड़वा बच्चों के, तो वहाँ नॉर्मल कितने बच्चे मरे हों। और जब ये सब खत्म हुआ तो उन्हें 1000 जुड़वा बच्चों के जोड़े में से सिर्फ 100 जोड़े बाकी बचे थे। ये बच्चे जिस जगह में रहते थे उनके एक तरफ भूखे जवान
जो वे श्लोक थे जो इनके फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ लाशों को ऐसे ही फेंक दिया गया था क्योंकि जर्मन सोल्जर्स के पास अभी उन लाशों को हटाने के लिए टाइम नहीं था। माफ कीजिएगा, जर्मन सोल्जर्स को नहीं, एसएस सोल्जर्स को, क्योंकि इस पूरी वॉर में कई जगह एग्जाम्पल ऐसे भी मिलते हैं कि जो जर्मनी की जो वेयरमार्क्ट जो सेना थी वहाँ की, उन्होंने ऐसे बिहेवियर नहीं किया जैसे कि एसएस ने किया। इसीलिए उस लाइन को आप चेंज कर लें। इन सब बातों का बिल्कुल मेटिकुलस रिकॉर्ड रखने वाला अगर कोई आदमी था तो वो जोसेफ मेंगेला था, कि कौन सा बच्चा कैसे रिएक्ट कर रहा है, कौन से बच्चे को कौन सी बीमारी है और उस बीमारी से वो कितने दिन में मर रहा है, किस बच्चे को कितनी कौन सी बीमारी के प्रति एक्सपोज किया गया है, ये सारे रिकॉर्ड मेटिकुलस तरीके से जोसेफ मेंगेला रख रहा था। ऐसा माना जाता है कि ये सब एक्सपेरिमेंट करते समय मेंगेला का बच्चों के प्रति व्यवहार काफ़ी अच्छा था। सारे घटिया काम वो अपने नीचे वालों को दे देता था तो बच्चों को ये लगता था कि इसके नीचे वाले इसके ऊपर वाले गलत हैं, बट मेंगेला बुरा नहीं है, बच्चों से अच्छी बात करता है। और यही सब विश्वास पैदा करके मेंगेला विश्वास पैदा कर लेता, इसलिए बच्चे हंसते हुए उसके साथ एक्सपेरिमेंट टेबल पर चले जाते। उन्हें क्या पता था कि उस टेबल पर लेटने के बाद मेंगेला का चेहरा उनके ज़िंदगी का आखिरी चेहरा होगा। इस एक्सपेरिमेंट में एक स्पेशल टाइप का एक्सपेरिमेंट था जहाँ पर बच्चों पर ऑपरेशन करते समय एनेस्थीसिया नहीं यूज़ किया जाता था। सोचिए कि आपके पेट में कोई ऑपरेशन कर रहा है और आपको एनेस्थीसिया नहीं दिया गया है, कितना दर्द होगा आपको। ऑस्विट्स कैंप में हर बच्चे की यही किस्मत। इन एक्सपेरिमेंट में कोई ऑर्गन निकालना, कोई लिम्स निकालना, बच्चों को जिंदा फ्रीज कर देना, सब शामिल था। इसमें से कास्ट्रेशन भी, स्टरलाइजेशन भी। मैं ये हिंदी में नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है हिंदी में बोलने की। सर्च कर लीजिए कास्ट्रेशन और स्टरलाइजेशन का क्या मतलब होता है। ये सब एक्सपेरिमेंट बच्चों के साथ किया जा रहे थे। और इनमें से एक एक्सपेरिमेंट ऐसा भी था जहाँ पे गैंग्रीन नाम की बहुत खतरनाक बीमारी होती, तो बच्चों के वुंड में गैंग्रीन डाल दिया जाता था और देखा जाता था कि कितने देर तक वो बच सकते हैं इससे। यहाँ पे कभी कभी एक और एक्सपेरिमेंट होता था जिसको एंड्योरेंस एक्सपेरिमेंट कहते थे, कि कोई भी आदमी कितना एंड्योर किया जा सकता है, कर सकता है। तो बच्चों को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था, अगर वो बच गया तो फिर बढ़ा के इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था, फिर भी बच गया तो और बढ़ा के इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था, तब तक दिया जाता था जब तक कि वो मर न जाए। इससे पता चलता था कि कितना इलेक्ट्रिक शॉक वो सहन कर सकता है। अब इस नॉलेज का इस्तेमाल दूसरे लोगों को टॉर्चर करने में किया जाता था जिनसे जानकारी चाहिए होती थी, तो उनको मारना नहीं है बट इतना टॉर्चर करना है कि वो कुछ बता दें, तो ये एक्सपेरिमेंट का यूज़ वहाँ होता। अगर ये एक्सपेरिमेंट किसी जुड़वा बच्चे में होता था ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो अगर एक बच्चा मरता था तो दूसरे को भी वैसे ही मार दिया जाता था, क्योंकि अब उसका इस्तेमाल करने की तो कोई इम्पॉर्टेंस रह ही नहीं गई है, क्योंकि वो ट्विन स्पेशल है, सिंगल बच्चा नहीं। यहाँ पे मेंगेला के अंदर काम करने वाले कई डॉक्टरों ने बाद में ये बयान दिया कि उन्हें लगता था कि मेंगेला ये एक्सपेरिमेंट साइंस के लिए नहीं कर रहा था, उसे ये सब करने में शायद मज़ा आ रहा था। और आज हम इस बात को लगभग पूरी सर्टेनिटी के साथ कह सकते हैं कि शायद नहीं, उसे इन बात को करने में मज़ा आ रहा था। इसे सेडिज्म का भी नाम दिया जाता है। वैसे मेंगेला ने इस दौरान काफ़ी सारे बच्चों की प्रेगनेंसी में काम किया, तो आप ये कह सकते हैं कि यार बेचारा तो खैर वो नहीं था, ये जो कमीना आदमी है ये प्रेगनेंसी में काम कर रहा है, कई बच्चे डिलीवर कर रहा है, वो ऐसे नहीं कर रहा था। असली बात ये थी कि मेंगेला के सामने जैसे ही पता चलता है कि कोई जोइश वुमेन जो है प्रेगनेंट है, तो मोस्टली तो उस वुमेन को गैस चैम्बर में भेज के मार डाला जाता, क्योंकि दो जूस से अच्छा तो एक जूस को मार दो ना। पर अगर वो टर्म पूरी करने वाली होती, यानी कि लगभग 9 महीने हो गए होते, 8 महीने हो गए होते, 7.5 महीने हो गए होते, तो उसके बच्चे को डिलीवर किया जाता, फिर वो बच्चे पे एक्सपेरिमेंट किया जाएगा और माँ को तुरंत गैस चैम्बर पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, ये जो धर्म के नाम पे बकवास चालू होती है ना, ये सबको अच्छी लगती है शुरू में, वो इसी जगह पे जाती है जहाँ आप किसी धर्म से, किसी संप्रदाय से इतनी नफरत करने लगते हैं कि आप जानवरों की भी हाथ तोड़ देते हैं, जहाँ पे आप माँ के बच्चा होने के साथ ही माँ को भेज देते हैं गैस चैम्बर पे और बच्चे को भेज देते हैं एक्सपेरिमेंट टेबल पे। मैं आपको ये बताना भी भूल गया, इनमें से एक और घटिया एक्सपेरिमेंट था जो प्रेग्नेंट बच्चे और उसकी माँ से भी जुड़ा हुआ था। ये क्या करता था कि माँ कभी कभी माँ को तुरंत
गैस चैम्बर में नहीं भेजता, वो माँ को बच्चे के साथ रहने देता पर माँ के ब्रेस्ट काट देता ताकि वो बच्चे को दूध ना पिला सके, और फिर वो दोनों को तड़पते हुए मरते हुए देखता। ध्यान रखिएगा, जब आप किसी से उसकी जात, उसके धर्म के कारण जब नफरत करते हैं ना, तो एंड रिजल्ट ये होता है। एक दिन की बात है जब मैंगला ने 5 साल से छोटी उम्र के बच्चों को एक साथ मारने के लिए, लगभग 300 बच्चे थे, एक गड्ढा करवाया, उसमें आग लगाई और एक एक करके सारे बच्चों को डाल दिया। मैं आज जब ये बात आपको बता रहा हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि ये काल्पनिक बातें हैं, और इन सभी के सबूत मौजूद हैं। ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे जो डॉक्टर थे, जो नाथसी डॉक्टर थे, उन सबसे यह काम करवाया जा रहा था, वो करना नहीं चाहते थे। तो कईयों को शराब पीने की आदत हो गई, कईयों का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि ये सब जानवरपना हमारे लिए नेचुरल नहीं था। पर यह माना जाता है कि मैंगले को ना तो शराब की जरूरत पड़ी, ना किसी और नशे की। वो तो यह काम होश में कर रहा था और उसे करते हुए मजा भी आ रहा। मैंने आपसे कहा ना, जब आप धर्म के नाम पर नफरत करते हैं तो उसकी कोई हद नहीं होती। ठीक वैसे ही मैंगला की भी कोई हद नहीं थी। वो जूश लोगों से इतनी नफरत करता था कि उनके धर्म के जो त्यौहार हैं, जैसे यम कपूर का जब त्यौहार आता, तो वो त्यौहार सेलिब्रेट करने के लिए 1,000 जूश बच्चों को गैस चैम्बर में भेज देता। इनमें से एक और एक्सपेरिमेंट था कि मैंगले ने इस बात का नाटक किया कि वो एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। अब उस बच्चे को मैंगला जैसा था ना, वैसे ही कपड़े पहनाए जाते, मैंगला के जैसे ही वाइट ग्लव्स, मैंगला के जैसे ही वाइट कपड़े, और मैंगला के जैसे ही स्टेथोस्कोप उसके उसमें लटकता। 1-1.5 महीने तक वो बच्चों को अपने साथ लेके हर जगह घूमते आता, फिर एक दिन उसको घुमाते घुमाते गैस चैम्बर में छोड़ के आ जाता। ये था डॉक्टर जोसेफ मैंगले। आपको लगता होगा कि एक बात ख़त्म होने वाली होगी, नहीं, थोड़ी देर रुकिए, ये बात ख़त्म भी होगी और फिर मैंगले को पकड़ने की हंट भी शुरू होगी। मैंगले के बारे में ये कहा जाता है कि उसके सुपीरियर उससे काफ़ी खुश थे, क्योंकि आखिर वो थे तो वो भी नाथसी पार्टी के ना। उन्हें लगता था कि हम जो काम करना चाहते हैं, उनकी हिम्मत उनमें थी नहीं इतने सारे बच्चों को गैस चैम्बर में भेजने की, औरतों को मारने की, मर्दों को मारने की पूरी एक रेस को ख़त्म करने की, जिंदा जलाने की, इतनी हिम्मत उन सब में थी नहीं। पर मैंगले ये काम खुशी खुशी कर रहा था, इसलिए उसके सारे सुपीरियर खुश थे। बट हर चीज़ का एक अंत होता है, और इस चीज़ का अंत बहुत जल्द आने वाला था। रशियन सेना ईस्ट से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, और बहुत रोने धोने के बाद अमेरिकन और ब्रिटिश सेना भी वेस्ट से आगे बढ़ना शुरू कर चुकी थी। मैंगले बेवकूफ आदमी नहीं था। 1944 के एंड में, 45 के स्टार्ट में उसे इस बात को समझ में आने लगा था कि जर्मनी वॉर को हारने वाला है, तो वो वॉर के बाद की तैयारी करने लगा। धीरे धीरे रशियन सेना, जैसे कि मैंने कहा, आगे बढ़ने लगी थी। तो मैंगला और जर्मन सेना के एसएस के कैंप जो ईस्ट में थे, वो धीरे धीरे उनमें जो कैंप में जो लोग थे उनको मजबूर किया गया पैदल चलने के लिए वेस्ट में, यानी जर्मनी के साइड, ताकि उन पर एक्सपेरिमेंट करे जा सके, एक्सपेरिमेंट चालू रखे जा सके। मैंगला ने अपने एक्सपेरिमेंट चालू रखे। जनवरी 17, 1945 को मैंगला गायब हो गया। जनवरी 17, 1945 को एक स्पेशल टाइप की घटना हुई। इस दिन यह पाया गया कि मैंगले ने अभी तक अपने एक्सपेरिमेंट की जितनी भी फाइल बनाई थी, जितने भी कागज इकट्ठे किए थे, उन सभी को कहीं भेज दिया, और वो भी गायब हो गया। 10 दिन बाद आश्विट्स में रशियन आ गए। बहुत से लोगों को इस बात की गलतफहमी है कि आश्विट्स और जितने भी कंसंट्रेशन कैंप थे, उनसे छुड़ाने, ज्यूइश लोगों को छुड़ाने में अमेरिका या ब्रिटेन की सेना आ गई थी। नहीं, गलत है। इन सभी को छुड़ाने में रशियन सेना आ गई थी। रशियन सेना ने इन सब लोगों को छुड़ाया, और जो नाथसी एट्रोसिटी हैं जो आश्विट्स के कैंप में हो रही थी या उसके आसपास के कैंपों में हो रही थी, उनको सबसे पहले रशियन सेना ने देखा, ना कि ब्रिटिश और अमेरिकन सेना ने। रशियन जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पाया कि इस जगह पे आग लगा दी गई है, सारे सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। और रशियन जब अंदर जाते गए तो उन्हें कुछ हजार ऐसी जिंदा लाशें मिली जिनमें सांसें तो चल रही थी पर ज़्यादा देर तक नहीं, और शायद रशियन उस समय नहीं पहुँचते तो ये लाशें, जिंदा लाशें, एक्चुअल लाशों में कन्वर्ट हो चुकी होती। इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें शायद 27, 27, 28, 28, 30, 30, 45, 45 दिन के बाद खाने को कुछ मिला। मैंगला यहाँ से साउथ जर्मनी के दूसरे कैंप में चला गया, और फिर जब रशियन वहाँ भी पहुँच गए तो फिर वो ऑस्ट्रिया के किसी कैंप में भाग लिया। दूसरी तरफ से एलाइज बोले तो ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका की सेना भी बहुत आगे बढ़ रही थी। अब उसने अपनी नाथसी वर्दी उतारी और भाग गया, पर भागना ज़्यादा देर तक काम नहीं आया। 2 मई 1945 को वो एक हॉस्पिटल में था
जहाँ पे उसने नाथसी कोर जो मेडिकल कोर है उसको ज्वाइन किया था, तब रशियन पहुंच गया और सारे जर्मन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जब रशियन ने मैंगला को पकड़ा उन्हीं सब लोग के बीच में, तो मैंगला ने जर्मन आर्मी की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, वेयरमार्क की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, एसएस की नहीं, क्योंकि उसे पता था कि एसएस की अगर यूनिफॉर्म में वो मिल जाएगा तो रशियन उसे तुरंत ही निपटा देंगे, क्योंकि एसएस के अत्याचारों के बारे में सभी को पता था। एकदम से मैंगले की किस्मत बुरी होते होते अच्छी हो गई। इनमें से कुछ लोगों को जर्मन सेना का समझ के छोड़ दिया गया। ऐसा क्यों हुआ ये तो इसके बारे में तो रिसर्च में मुझे पता नहीं चला कि क्यों छोड़ा गया, बट छोड़ दिया गया। पर मैंगले को इस बात का पूरा आभास था कि वो अभी तो छूट गया है, पर जब लोगों को पता चलेगा कि वही जोसेफ मैंगले है और उसने क्या क्या हरकतें की हैं, तो उसे दुनिया छोड़ेगी नहीं। वो ईस्ट जर्मनी में पहुंच गया। उस समय ईस्ट जर्मनी रशिया के अंडर थी, जो बाद में डिवाइड होकर ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी बनने वाली थी। वो एज अ लेबरर काम करने लगा। 3 साल बीत गए। अब तक जब ये जो आदमी है जो है जो कॉन्सेंट्रेट जो भाग के 3 साल से लेबर के रूप में काम कर रहा है, अब तक मैंगला के दूसरी तरफ दुनिया के मैंगला के सारे जो अत्याचार थे वो सब दुनिया के सामने आ चुके थे। मैंगला की तस्वीर भी दुनिया के सामने आ चुकी थी और जर्मन जो नाथसी जो सबसे ज़्यादा जिनको हंट किया जा रहा था उनमें टॉप में से 4-5 लोगों में मैंगले का नाम था, और नाथसी हंटर बस इसी तलाश में थे कि कैसे भी मैंगले का सर मिल जाए। वो मैंगले बेवकूफ आदमी नहीं था, उसे भी ये सब पता चल रहा था, तो उसने जैसे तैसे आल्प्स को पैदल पार किया और इटली तक पहुंच गया। इटली से वो अर्जेंटीना पहुंच गया, और वो ये पहुंचने के लिए उसने एक झूठे नाम में नेशनल रेड क्रॉस की आईडी बना ली और जैसे तैसे अर्जेंटीना पहुंच गया। ये सब जब जैसे ही वो अर्जेंटीना पहुंचा तो वो अपने आप को काफ़ी सुरक्षित महसूस करने लगा, और उसकी सुरक्षित महसूस करने के कारण भी थे, क्योंकि उस समय का अर्जेंटीना का राजा, उस समय का अर्जेंटीना का शासक था हुआन पेरोन, जिसकी रेजिम को पेरोनिस्टा रेजिम भी कहते हैं। तो पेरोन जो है वो हिटलर का बहुत बड़ा प्रशंसक था, और दुनिया भर जिसको आपके मैंगला का गंदा काम समझती थी वहीं पेरोन उसको अच्छा काम समझता था। तो जैसे ही उसे पता चला कि मैंगले है तो मैंगले को वो बुला के अपने महल में रख लिया। मैंगले एज ए कारपेंटर काम करने लगा, और धीरे धीरे बाकी के मैंगले फैमिली भी अर्जेंटीना आ गई। वैसे आयरीन ने उसे अभी तक डिवोर्स दे दिया था, परंतु उसका बाप आ गया और छोटे मोटे टूर्स एंड ट्रेवल्स होते हैं ना वो ऑर्गेनाइज करने लगा, और धीरे धीरे काफ़ी पैसा आने लगा। तो ये फैमिली वापस से अच्छी खासी वेल्दी हो गई और आराम से ज़िंदगी बसर करने लगी। कहते हैं ना मौत से पहले ह्यूबरस आती है। ये सब बातें इतनी अच्छी चलने लगी थी कि मैंगला भाई सबको बहुत कॉन्फिडेंस हो गया। इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि उन्होंने अपना जो झूठा नाम रखा था ना, जिससे उनको रेड क्रॉस की आईडी मिली थी, जिससे उनको स्विस पासपोर्ट मिला था और जिसके थ्रू वो यहाँ आए थे, उन्होंने वो नाम छोड़ के वापस से अपना नाम मैंगला कर लिया, जोसेफ मैंगले कर लिया। और जैसे ही ये हुआ तो बहुत से नाथसी हंटर जो सूंघ रहे थे कि मैंगला कहाँ है, उन्हें पता चल गया कि जोसेफ मैंगले कहाँ है। इन नाथसी हंटर ने जैसे तैसे प्रेशर डाला वेस्ट जर्मनी के ऊपर, वेस्ट जर्मनी ने मैंगले के खिलाफ वारंट इशू किया, और अर्जेंटीना गवर्नमेंट से इस बात की रिक्वेस्ट की कि उसको एक्सट्राडाइट कर दिया जाए वेस्ट जर्मनी को। मैंगले को ये सब बात पता चल चुकी थी और वो वहाँ से पैराग्वे भाग गया, और फिर पैराग्वे से ब्राज़ील भाग गया। कुछ साल वहाँ बिताने के बाद अब बात 1962 तक पहुँच गई थी। वो वहाँ से भी निकल लिया, वो वहाँ से निकल के साओ पाउलो नाम का ब्राज़ील का एक शहर है वहाँ पहुँच गया। 1964 आते तक वॉर क्राइम ट्रायल जो मैंगला के खिलाफ थी वो चालू हो चुकी थी, पर मैंगला तो था नहीं, तो उसके एब्सेंस में ये सारी ट्रायल हुई और उसे दोषी घोषित कर दिया गया। और इसी ट्रायल के दौरान वो लोग जो मैंगला के द्वारा प्रताड़ित किए गए थे, जिनमें जो लोग बचे थे, वो लोग जो मैंगला के साथ काम कर रहे थे, वो लोग जिनके सामने ये सारा काम हुआ था, उस ट्रायल में गवाही देने के लिए आया, और इस गवाही की वजह से जो बात अभी तक सिर्फ जर्मनी के लोग जानते थे, जो बात वेस्ट जर्मनी के लोग जानते थे, जो बात ईस्ट जर्मनी के लोग जानते थे, जो बात रशियन जानते थे, जो बात ज्यूइश लोग जानते थे, अब पूरी दुनिया जानने लगी। 1970 आते आते तक जर्मनी की जितनी भी मेहनत थी कि इस आदमी को जैसे तैसे एक्सट्राडाइट किया जाए, वो सब मेहनत पानी में गई। 1970 आते तक उन्होंने कोशिश भी बंद कर दी। 76 में उसे एक बार हार्ट अटैक आया, बट ऐसे लोग जल्दी थोड़ी मरते हैं, पर उसकी मौत 79 में हुई, एक बार फिर हार्ट अटैक से। शर्म की बात यह है कि आदमी 79 में मरा, तब तक भी यानी कि 45 से लेकर 79 लगभग 34 साल के समय में एक बार भी इसे अपने किसी भी काम में शर्म नहीं आई। ये तो हो सकता था कम से कम कि वो किसी से कहता है कि मैंने जो वहाँ किया उस पर मुझे रिग्रेट है, पर ये नहीं किया। और ये मानवता के लिए रिग्रेट है कि इस आदमी को
इस आदमी को अपनी मर्जी से मरने दिया गया। इस आदमी को उसकी सजा नहीं मिली। इसको इसकी सजा नहीं मिली पर दूसरे नाथियों को मिली। हम उनके बारे में भी कभी बात करेंगे। अगर आपको सुनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन पर क्लिक करिए, और अगर आपके दिमाग में कोई आदमी है जिसके लिए हमें बायोग्राफी बनानी चाहिए तो ज़रूर लिखेगा। मेरी शक्ल आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, बैकग्राउंड आपको माइंड करने की ज़रूरत नहीं है, लाइटिंग से आपको कोई मतलब नहीं। आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपका नॉलेज पहले से कुछ ज़्यादा हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करिएगा और लोगों से शेयर कीजिएगा। अगर नहीं किया तो मेरी माफ़ी स्वीकार कीजिए। अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं।